अक्षय कुमार की बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी जो कि है राम सेतु, उसका लुक अब उनका सामने आ चुका है। ऐसे में लुक के साथ साथ अपने कैरेक्टर पर भी डिटेल दे रहे हैं अक्षय कुमार। क्या है पूरी खबर, चलिए बता दी हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। अक्षय कुमार बैक टू बैक कई सारे प्रोजेक्ट्स शूट करते जा रहे हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं। शुरुआत होगी उनके सूर्यवंशी मूवी से, जहां पर वो जो है रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में कदम रख देंगे। इसके साथ ही उनकी मूवी राम सेतु बहुत जल्दी रिलीज होगी, अगले साल जो है उसकी रिलीज डेट तय की गई है। और ऐसे में उसकी शूटिंग जो है अभी से ही शुरू हो चुकी है। यहाँ पर शूटिंग की बात करें तो पहला शॉट लेने के लिए राम सेतु की टीम यानी कि नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस और अक्षय कुमार पहुंचे थे अयोध्या में। वहीं पर उन्होंने पूजा की, वहीं पर जो है एक तरीके से मूवी का शुभारंभ किया। फर्स्ट शॉट वहीं पर उन्होंने शूट करके, मुहूर्त शॉट शूट करके उन्होंने वापस मुंबई की तरफ रुख किया। लेकिन अब अक्षय कुमार ने अपने लुक के ऊपर से जो सस्पेंस बना हुआ था वो हटा दिया है, बिकॉज ही हैज रिवील्ड हिज लुक फ्रॉम द मूवी राम सेतु, जिसमें उनके लंबे बाल नजर आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल किरदार रहेगा उनका, यानी कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखेंगे अक्षय कुमार, एक आर्कियोलॉजिस्ट के कैरेक्टर में नजर आएंगे अक्षय कुमार। अगर आपको नहीं पता है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, तो पुरानी चीजों की स्टडी करने वाले शख्स को आर्कियोलॉजिस्ट बुलाया जाता है, जो कि आपको पता हो जैसे पुरानी राइटिंग्स हो, पुरानी चीजें अगर जमीन से जो खड़ कर आती हैं, पुरानी बहुत ही एंशियंट जो हम लोगों को पीसेस मिल जाते हैं, जिनको हम लोग फॉसिल्स वगैरह भी के बोलते हैं कई बार, ये सारी चीजों का जांच जो करते हैं, ये सारी चीजों को जो देखते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हिस्टोरिक चीजों को जो स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उसी किरदार में नजर आएंगे अक्षय कुमार, एंड वी आर सो एक्साइटेड, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ किरदार अक्षय ने निभाया नहीं है, तो वो खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप सबसे मांगे हैं उन्होंने अपने व्यूज, तो जरूर लिखकर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में भी कैसा लग रहा है आपको अक्षय कुमार का ये लुक। और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।